आप सभी को दिल्ली वाली आंटी का नमस्कार। आज हम लौकी का रायता बनाने जा रहे हैं। इसमें क्या क्या सामान यूज होता है वो हम आपको बताते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को ज्वाइन करना और बेल बटन दबाना। लौकी का रायता बनाने के लिए हमने 250 ग्राम लौकी ली है और एक कटोरी दही ली है, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच भुना जीरा, एक चौथाई चम्मच लाल मिर्च और एक चौथाई चम्मच काली मिर्च। अब सबसे पहले हम लौकी को छीलकर कद्दूकस कर लेते हैं और दही को फेंट लेते हैं। लौकी को हमने कद्दूकस कर लिया है और दही को फेंट लिया है। अब इस लौकी को हम तो हल्का सा नमक डालकर उबलना रख देते हैं। हमने घी को आधे गिलास पानी में एक सीटी आने तक उबाल लिया था। अब इसका हम एक्स्ट्रा पानी निकाल देंगे। अब इसको हम हल्का सा निचोड़कर इस बाउल में पलट देते हैं। यदि आप दही पतली लेंगे तो आपको काफ़ी निचोड़ना पड़ेगा, दही गाढ़ी और ताजी लें। अपने घी को हमने निचोड़कर रख लिया है। अब इसके अंदर हम दही डालते हैं। अब इसके अंदर हम मसाले ऐड कर रहे हैं। ये जो बचा हुआ नमक था, कुछ नमक तो हमने घी उबलने में डाल दिया था, कुछ जो बचा हुआ है वो इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। मिर्च, भुना जीरा और कुटी काली मिर्च। अब इन सबको हम अच्छे से मिला लेते हैं। देखिए, हमारा लौकी का रायता खाने के लिए तैयार है। खाना भी, खिलाना भी, हमें कमेंट में बताना भी। ये बनाना बहुत आसान है। यदि आपके यहाँ कोई गेस्ट आने वाले हैं तो आप इसको पहले भी बना के रख सकते हैं। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगली बार मिलते हैं किसी नई चीज़ के साथ। धन्यवाद।